Hello, welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 5th, chapter 11th, part 1, Sunita in space. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon. Let's start Sunita in space. Space, ye naam sunte hi hamare man mein bahut sare sawal uthta hai. सुबह होते ही हमारे छत के ऊपर हम देखते हैं आकाश. ये आकाश क्या है? यहाँ पर एयर है और आकाश में पृथ्वी का आकर्षण शक्ति चलता है. जहाँ पर भी एयर है पर आकाश के ऊपर होता है महाकाश. महाकाश में एयर नहीं होता और यहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण ये सब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता. तो फिर कैसा होता ही है स्पेस? आपको भी मन करता होगा कभी स्पेस में जाएं और ये स्पेस से थोड़ा चारों ओर देखें. कम से कम हम अपना अर्थ को तो देखें कि आखिर ये अर्थ कैसा लगता होगा थोड़ा हम स्पेस में जाकर देखें. तो फिर ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में. आइए इसी चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि इसी स्पेस में 6 मंथ्स का टाइम गुजार चुके हैं. ये वो पहली महिला ऐसा है. तो फिर वो खुद अपना बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा लगता है स्पेस में. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. सुनीता इन स्पेस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है अर्थ कैसा दिखता होगा? मेक ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक. अर्थ कैसा दिखता होगा आप थोड़ा अपनी नोटबुक में ड्राइंग तो बनाइए. ऑन योर ड्राइंग सो Where you are? आपकी ड्राइंग में अरे आप कहाँ हो? Take a look at your friends' drawings too. आप अपनी दोस्तों का भी ड्राइंग को थोड़ा देखिए कि वो कैसे बनाए हैं. What is our earth really like? हमारी ये जो अर्थ है वो एक्चुअली होता कैसा है? तो उजैरा एंड समीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. उजैरा और समीर ये दोनों ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. While they play, they are talking to each other. और खेलते खेलते एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे हैं. आप भी तो ऐसा करते हो ना. उजैरा, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? अरे फ्रेंड, आपको पता है सुनीता विलियम्स कल हमारे स्कूल में आ रहे हैं. I have heard that she has spent more than 6 months in space. अरे मैंने तो सुना है वो स्पेस में 6 months का टाइम गुजार चुके हैं. उजैरा कह रहा है. तो समीर क्या बोल रहा है? लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब के ओर देख के. लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका. हे देयर इज वेयर इज स्पेस. तो फिर अब समीर बोल रहा है, देखो ये ग्लोब में तो मैंने अमेरिका अफ्रीका सारे ढूंढ लिया पर मुझे स्पेस नहीं मिला, कहाँ है? उसको जैसे पहले से मालूम है कि ग्लोब के अंदर तो सारे चीज मौजूद होता है, कौन सा जगह कहाँ है, पर स्पेस नहीं मिल रहा है. अजीब सी बात है. उजैरा बोल रही है, द स्काई स्टार सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. अरे तुझे नहीं पता ये जो स्काई तारा सूरज चंदा ये सारे स्पेस में ही तो है. समीर, यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन स्पेस शिप. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड इन द अर्थ फ्रॉम देयर सी द अर्थ फ्रॉम देयर. तो फिर समीर बोल रहा है कि हाँ हाँ मैंने सुनीता विलियम्स के बारे में मुझे ये पता है कि वो स्पेस शिप में स्पेस को गए थे और मैंने ये टीवी में देखा था कि वो स्पेस से होके अर्थ को देख रहे थे. सी द अर्थ फ्रॉम देयर, स्पेस से होके अर्थ कैसे दिख रहा है देख रहे थे. उजैरा बोल रहा है कि यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब. और ये स्पेस से ना अगर देखो तो अर्थ ऐसे ग्लोब जैसे ही दिखता है. तो समीर बोल रहा है, इफ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी. अगर हमारी अर्थ ऐसे ग्लोब के जैसे दिखता है तो हम सब कहाँ है? उजैरा टेक ए पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब. तो फिर वो पेन लेके दिखा रहा है कि इसी ग्लोब में तो है हम. उजैरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया. ये देखो ये है इंडिया. मैप में इंडिया भी तो होगा ना, तो फिर इंडिया में हम रहते हैं. समीर, इफ वी आर हियर लाइक दिस,
We could all fall off. I think we must be inside the globe. अरे अगर हम ऐसे ग्लोब के ऊपर रहेंगे ना तो शायद हम गिर जाएंगे। मुझे तो लगता है हम ग्लोब के अंदर ही होंगे। आपको कैसा लगता है, अंदर या ऊपर? आप कहाँ हो? आइए आगे जानते हैं। उजेरा, इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई? अगर हम अंदर हैं तो फिर आकाश कहाँ पर है? द सन, द मून एंड द स्टार्स कहाँ पर है? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब। हम जरूर ही ग्लोब के ऊपर रहते होंगे, क्योंकि किसी को सही बात पता नहीं है, इसीलिए दोनों में अपना ज्ञान चला रही है कि कहाँ पर होता होगा। एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। अरे और ग्लोब के ऊपर ओशन, सी, ये सारे भी तो हैं। तो स्वामिल, स्वामिल बोल रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब में लोअर पार्ट भी होता है। तो यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर? समीर बोल रहा है तो फिर नीचे पार्ट में जो रहेगा वो तो गिर जाएगा ना, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता क्या? तो उजेरा बोल रही है पीपल लिव हियर टू। अरे यहाँ पर भी लोग रहते हैं, जैसे ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हियर। यहाँ पर ब्राजील अर्जेंटीना है, वहाँ पर तो लोग रहते हैं। समीर, आर द पीपल हियर दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? तो फिर क्या वहाँ पर लोग अपसाइड डाउन होके रहते हैं? व्हाई डोंट दिस पीपल फॉल अप? तो फिर वो लोग गिर कैसे नहीं जाते? तो उजेरा बोल रही है यस इट लुक स्ट्रेंज, ये वाकई ही बहुत अद्भुत है ना, इजंट इट? एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी। अरे और जो नीला नीला दिख रहा है ये तो सी है, तो फिर ये समुंदर से क्या पानी नहीं गिर जाता? कितने सारे सवाल मन में। व्हाट डू यू थिंक, इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? अगर सचमुच हमारी ग्लोब, हमारे अर्थ ऐसे राउंड ही है तो हम कैसे नहीं गिरते? डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? क्या ये सचमुच ऐसा है कि अर्जेंटीना में, ब्राजील में लोग अपसाइड डाउन होकर रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता होगा ना। तो भी इसका सवाल एक एक करके आगे हम जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। टकिंग विद सुनीता, आइए अब सुनीता जी के साथ हम बात करते हैं। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Ujera and Samir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स जी इंडिया आए तो फिर ऐसे हजारों बच्चों जैसे जायरा और समीर उनके साथ मिलने का, बातें करने का चांस पाए। तो सुनीता से, सुनीता जी क्या बोल रही हैं? That her friend कल्पना चावला wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. उन्होंने कहे कि उनका फ्रेंड है कल्पना चावला जो कि इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी, तो इसीलिए सुनीता जी ने खुद इंडिया आए ताकि कल्पना जी का ड्रीम जो है, कल्पना चावला को आप जानते हैं, तो फिर उन्हीं का फ्रेंड है सुनीता विलियम्स, क्योंकि कल्पना चावला वो भी तो इंडिया के हैं ना, वो चाहते थे कि वो इंडिया आए, बच्चों से मिले, तो फिर शायद कहीं वो तो नहीं और लौट पाए। आपको पता है कोलंबिया का कैसे एक्सीडेंट हो गया और फिर वो नहीं रहे पृथ्वी को और बैक नहीं कर पाए, तो उन्हीं का ड्रीम पूरा करने के लिए ही सुनीता जी अब इंडिया हैं। सुनीतास एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अरे ये बहुत मज़ेदार होगा। तो फिर सुनीता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि स्पेस में रहकर उन्हें कैसा लगा। We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. तो फिर हम स्पेस में हम बैठ नहीं पाते थे, कैसे होते थे? हम जैसे फ्लोट कर रहे हैं, जैसे एक बैलून फ्लोट करता है ना, तो फिर ऐसे पानी में दे दो तो बैलून कैसे फ्लोट करेगा, एक ही जगह नहीं टिकेगा। ऐसे ही और एयर में भी बलून कैसे फ्लोट करता रहता है। वी कैप फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक ओर से दूसरी ओर हम फ्लोट करते थे। वाटर टू डजेंट स्टे एट वन प्लेस, एक जगह तो पानी भी नहीं टिकता था, पानी भी एक जगह नहीं टिकता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, तो फिर वो ऐसे घूमता रहता था। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम, तो फिर हमको पानी को भी पकड़ना पड़ता था और वेट पेपर के जरिए उनको यूज करना होता था। तो वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, और खाना खाने के बाद बोलो तो वो तो पूरा अलग था, कैसा था? द रियल फन वाज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेस शिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स, तो फिर मज़ा तो तभी आता था जब हम डाइनिंग एरिया को जाते थे, खाने के टाइम होता था तो ऑब्वियसली सब डाइनिंग एरिया में जाएंगे,
तो फिर फूड पैकेट सारे भी ऐसे फ्लोट करके घूमते थे, तो फिर उन्हीं को जाकर कैच करना पड़ता था अपनी खाना, नहीं तो खाना भी खाना अपने रास्ते। ऐसा नहीं कि मम्मी आपको बुलाएंगे बेटा आ जाओ, फिर 3 बार बुलाने के बाद ही आप आते हो ना डाइनिंग टेबल पे, बेटा अब तो आ जाओ, कहाँ हो बेटा, पर सुनीता आप स्पेस में जाओगे तो खाना भी घूमता रहेगा, कैसा मजेदार है। इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज कॉम्ब, अरे कॉम्ब का तो कंघी का तो जरूरत ही नहीं है। कैसे, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, उनका हेयर भी जो है वो आप देख रही है फिगर में कैसे दिखा रहा है कि जैसे ऊपर के ओर स्टैंडिंग होके था ऑल द टाइम, और सिर्फ एक ही टाइम नहीं ऑल द टाइम। तो फिर उसको कंघी करके भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, और वो चलने के लिए भी सक्षम नहीं होते थे। कैसे, वो हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, उनको चारों ओर ऐसे वो फ्लोट ही करते थे। सिंक और फ्लोट पता है ना फ्लोट क्या है, तो फिर सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब ऊपर ऐसे भासता रहना, जैसे फ्लोट करता है बलून या फिर जैसे वाटर में बोट फ्लोट करता है ऐसे ही। तो वी हैड टू लर्न टू टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, वही छोटी छोटी चीज़ें जो हमको बहुत सा सिंपल सा आसानी से हो जाता है अर्थ में, उसी काम के लिए हमें वहाँ पर बहुत डिफरेंटली एक्ट करना पड़ता था। जैसे टू स्टे एट वन प्लेस, एक ही जगह अगर आपको टिके रहना है, वी हैड टू स्टॉप आवर सेल्फ देयर, हमको किसी को ऐसे पकड़ के वहाँ पर खुद को रोकना पड़ता था। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टॉक टू द वॉल ऑफ द स्पेस शिप, पेपर को भी इसे स्टॉक करके रोक के रखना पड़ता था। इट वॉज ए लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, ऐसे देखे तो बहुत मजेदार लगता था पर ये डिफिकल्ट भी है, इतना आसान नहीं है। तो फिर लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, आप फोटोग्राफ को देख रहे हैं ना, और बोलिए कैन यू थिंक व्हाई सुनीता हेयर वॉज स्टैंडिंग। अब आपको पता चला कि सुनीता जी के हेयर ऐसे कैसे स्टैंडिंग है। लुक एट सुनीता फोटोग्राफ्स एंड द डेट्स, उनके फोटोग्राफ को भी देखिए और डेट्स को भी देखिए। लुक एट सुनीता एंड डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, तो फिर सारे फोटो में डेट भी लिखा गया है। राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, और कौन कौन सा टाइम में क्या क्या हो रहा है सारे बात का जानकारी लीजिए। ये देखिए 2006 वी टक ऑफ, 2006 दिसंबर की 9 तारीख को उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया। अरे कैसा धमाकेदार लग रहा है ना। फिर ये हो गया अवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारी फ्ली वो तो पूरा जैसे रूप में चिपक गए हैं दोनों। ये कब हुआ था, ये फोटो है इसी दिसंबर का 11 तारीख का है, 2006 की बात है। तो फिर ये है वर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, देखो कैसे फूड सारे फ्लाई कर रहे हैं। ये कब की फोटो है, ये दिसंबर का 11 का है, और ये है स्पेस सूट में। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग, सारे हेयर जैसे ऊपर की ओर खड़े हैं पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं। सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप रियली इन स्पेस, अरे ये तो बहुत एडवेंचरस है, यानी कि वो स्पेस शिप में भी नहीं है, स्पेस शिप से थोड़ा बाहर निकल आए हैं, जैसे आप सेल्फी लेते हो ना डेंजरस पोजिशन में जाके ऐसे ही। तो फिर रियली इन स्पेस है, यानी कि इनके चारों ओर कुछ नहीं बस स्पेस ही है। और ये फोटो है 16 दिसंबर 16 की और 2006 की। तो ये थारी ये सारी था बहुत सारी मजेदार फोटो। क्लासरूम बिकम्स ए स्पेस शिप, अब ये तो फिर ये हम अगले पेज में देखते हैं कैसे क्लासरूम बिकम से स्पेस शिप हो जाएगा। तो क्लोज योर आईज, इमेजिन दैट योर क्लास इज ए स्पेस शिप, जूम इन 10 मिनट्स। आप अपना आंखें बंद कीजिए और ये इमेजिन कीजिए कि आपका क्लास जो है ये एक स्पेस शिप बन गया है, और आप 10 मिनट्स बंद करके देखिए जैसे कि आप स्पेस में घुस रहे हैं धीरे धीरे। योर स्पेस शिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, और आपके स्पेसशिप धीरे धीरे अर्थ की चारों ओर घूम रहा है। नाउ सी आर यू एबल टू सीट एट वन प्लेस, क्या आप एक जगह बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। तो फिर ये इसी पेज में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिर आप एक आर यू एबल टू सीट एट वन प्लेस और नॉट, आप अगर सोचें
कि सचमुच आप स्पेस में चले गए हैं और अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। तो फिर सुनीता जी की बात तो सुन लिए हैं, आपको कुछ कुछ पता चल गया है कि अगर आप स्पेस में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या बर्ताव होने वाला है, आपको कैसा कैसा सिचुएशन मिलेगा। अब आप इमेजिन कीजिए, आर यू एबल टू सीट एट वन प्लेस, व्हाट अबाउट योर हेयर, आपकी हेयर कैसे हैं, आपकी मम्मी ने जैसे कंघी किए थे ऐसे हैं या फिर सब ऊपर खड़े हैं। ओ लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, आपकी किताब बैग वो सब कहाँ चले जा रहे हैं। एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग, आपके टीचर क्या कर रहे हैं, वो भी छत पे लटके होंगे ना, चिपके होंगे। तो फरी चार चाक, उनके चाक क्या ऐसे ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा है या फिर वो भी घूम रहा है। तो हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक टाइम में क्या आपके लंच बॉक्स आपके पास है। तो हाउ डिड यू थिंक ड्रिंक वाटर, आप पानी कैसे पी रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रू अप, आप अगर एक बॉल को फेंक देते हैं तो फिर उसका क्या हाल होता है, जैसे अर्थ पर होता है वो नीचे दम से गिरता है ऐसा होता है, या वो भी अपने रास्ते चला जा रहा है, फ्लोट कर रहा है। एक्ट आउट ऑफ ड्रॉ द सीन, एक्ट आउट ऑफ ड्रॉ द सीन, और ये सारे बातें आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उसको अपनी एक चित्र बना के एक सीन बना के भी दिखा सकते हैं। इजेंट इट अमेजिंग, क्या रियली ये बहुत अमेजिंग आश्चर्यजनक नहीं है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, अगर आप अर्थ में है तो कुछ चीज अगर ऊपर फेंकते हैं तो कैसे नीचे आ जाता है। व्हेन वी थ्रो ए बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो भी नीचे आ जाता है, वापस आ जाता है। वी आर एबल टू कैच इट, वी आर एबल टू, हम उसको पकड़ने के लिए भी पकड़ भी पाते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और ऐसे स्पेस जैसा हम तो फ्लोटिंग नहीं होते ना। व्हेन वी फील ए ग्लास और बकेट विद वाटर, जब हम हमारा ग्लास या बकेट को वाटर में भर लेते हैं, इट स्टेज देयर, वो जहाँ का तहाँ रहता है, ऐसे पानी तो चला नहीं जाता कहीं पर। इट डज नॉट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एच सुनीता विलियम्स सेज, वो तो ऐसे ब्लॉब्स होके नहीं घूमता रहता, जैसे सुनीता जी ने बताया था स्पेस की वाटर के बारे में। इट इज समटाइम्स स्पेशल अबाउट द अर्थ The makes this happen, तो फिर हमारे अर्थ में कुछ तो ऐसा स्पेशल है ताकि ये सारी चीज ऐसे ही रह रहा है। आपको पता है वो क्या है, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो फिर अर्थ का एक माध्यकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, आप बड़े क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये जाने रखिए कि अर्थ का एक आकर्षण शक्ति है कि वो सभी चीज को अपनी ओर केंद्र की ओर खींचता है, इसीलिए आप खुद स्टेबल है, आप खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता, ये आकर्षण शक्ति माध्यकर्षण शक्ति नहीं होता, आपकी पैर भी नीचे नहीं पड़ता, आप ऐसे फ्लोट करते होते, तो फिर इसीलिए सारे चीज, और ये चीज को न्यूटन ने डिस्कवर किए थे। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता जी ने हमारी पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊपर चले गए थे, इन द स्पेस शिप, स्पेस फिश में वो चले गए थे। थिंक हाउ हर दिस वुड बी, ये कैसे रहा होगा। फाइंड आउट व्हिच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव, अब जरा सोचिए आपकी यहाँ से 360 किलोमीटर दूरी में कौन सा सिटी है। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, तो फिर इतना ही दूरी तक सुनीता जी ने स्पेस में ऊपर चले गए थे। पर अगर ये अर्थ में होगा तो 360 किलोमीटर दूरी दूर से क्या आपको दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, पर ये स्पेस है इसीलिए ऊपर जाते जाते बहुत दूर तक नीचे तक दिखेगा, और वहाँ से होके अर्थ भी दिखेगा, क्योंकि बीच में और कोई पेड़ या फिर कुछ बिल्डिंग्स ऐसा कुछ तो रुकावट नहीं है ना व्यू के लिए। कैन यू नाउ सी व्हाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग, अब आपको पता चला कि सुनीता जी के हेयर ऐसे स्टैंडिंग क्यों हुए थे, क्योंकि वहां पर ऐसे पृथ्वी जैसा माध्यकर्षण शक्ति नहीं था। माध्यकर्षण शक्ति आपको ये समझ के रखिए जैसे उसके केंद्र की ओर खींचने के लिए एक खिंचाव, एक आकर्षण शक्ति। कैन यू नाउ सी व्हाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, अब आपको पता चला कि अगर स्लोप हो तो वाटर कैसे नीचे
डाउनवर्ड की ओर फ्लो हो जाता है। ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोट्स डाउनवर्ड्स, और ऐसे माउंटेन में भी वाटर, जैसे बड़े बड़े नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हमारे ज़्यादातर नदियाँ माउंटेन से ही निकले हैं, तो फिर वो कैसे बह के नीचे चले आते हैं ना, नॉट अपर, वो ऊपर की ओर तो नहीं जाते, तो फिर यही कारण है। मैजिक वन इट एनी प्रॉपर रेसेस ए कॉइन, तो फिर हम दो मैजिक करने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, 5 रुपी कॉइन एंड ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, आप एक 5 रुपीज का एक कॉइन लीजिए और एक छोटा सा पेपर लीजिए। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन, कॉइन का जो साइज हो, हमारे पेपर का साइज उसका 1/4 होना चाहिए। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर हैंड, आप एक हाथ में कॉइन लीजिए और एक हाथ में पेपर लीजिए। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, व्हाट हैपेंड, आप एक ही टाइम पर दोनों को छोड़ दीजिए तो क्या होगा। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम, तो फिर आपको पता होगा क्या होगा, जो लाइट वेट है वो धीरे धीरे गिरेगा और जो हैवी है यानी कि कॉइन है वो जल्दी से गिरेगा। अब आपको ये करना है कि टाइनी पेपर और कॉइन को साथ में एक साथ होके गिराइए। प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर टाइनी पेपर को रखिए, छोटा पेपर को रखिए और अब आप गिराइए। व्हाट हैपेंड दिस टाइम, सरप्राइज, तो भी इसी बार आप देख के ताज्जुब हो गए। आइए इसी हिसाब से हम मैजिक टू करते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे एक माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट, एक माउस मतलब एक चूहा की उठा रहा है एक एलिफेंट को। अरे ये तो सचमुच मैजिक होगा, एक चूहा फिर एक एलिफेंट को कैसे उठाएगा, चलो चलो जल्दी से करते हैं कैसे होगा ये। टू प्ले दिस यू विल नीड ए स्मॉल स्टोन, ए बिगर स्टोन जैसे कि लेमन साइज, ए थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर्स, माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। तो आपको कुछ चीज़ें करना है, जैसे एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर, एक पेपर का रोल जो कि हम खुद हाथों से रोल करके बनाएंगे, थिक रोल बनाएंगे, और फिर उसके साथ माउस और एलिफेंट का चित्र बना हुआ पेपर। तो फिर इसे सबको हमको क्या करना है, टेक ए स्ट्रिंग ऑफ अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लॉन्ग लंबाई एक स्ट्रिंग लेना है, रस्सी। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, स्टिक और टाई और माउस टू द स्टोन, तो फिर एक रस्सी के एक ओर आप छोटे स्टोन को बांध लीजिए और फिर उसी में स्टोन के ऊपर माउस का पिक्चर जो है उसको चिपका दीजिए। पुट द स्ट्रिंग इन टू द रोल ऑफ पेपर, जैसे फिगर में दिखा गया है वन में, ऐसे पेपर रोल को के अंदर स्ट्रिंग को घुसाइए। पुट द स्ट्रिंग इन टू द रोल ऑफ पेपर, रोल ऑफ पेपर के अंदर स्ट्रिंग को घुसाइए। एट द सेम अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट, एक साइड में छोटा पत्थर रहा, अगले साइड में बड़ा पत्थर लीजिए और बड़ा पत्थर के ऊपर जैसे मान लीजिए वो एलिफेंट है यानी कि साइज में बड़ा है, वजन भी ज़्यादा है, उसको चिपका दीजिए। यानी कि आपको एक इमेजिन करना है कि बड़ा पत्थर हो गया एलिफेंट, छोटा पत्थर हो गया माउस। अब क्या करना है आपको, होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, स्मॉल स्टोन आप देख पा रहे हैं चित्र में जैसे दिखा गया है, बड़ा पत्थर नीचे की ओर को झूला हुआ है और छोटा पत्थर को आप ऐसे गोल गोल करके रोटेट कीजिए, घुमाइए, तो क्या होगा, उसी घूमने से व्हिच पुलिंग होम यू विल बी सरप्राइज्ड, द माउस लिफ्ट्स द एलिफेंट, हाउ डिड दिस मैजिक हैपन। तो फिर जब ऊपर का घूमने लगेगा स्ट्रिंग विथ द स्मॉल स्टोन, तो फिर वो नीचे का बड़ा पत्थर को ऊपर लिफ्ट करेगा, उठा देगा, तो फिर है ना तज्जुब की बात, कैसे आप माउस ने एलिफेंट को उठा लिया। वेयर आर द लाइंस रियली, तो फिर ये लाइन आखिर है कहाँ, कहाँ की लाइन की बात कहा जा रहा है। सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शिप, सुनीता जी ने स्पेस शिप से अपना दृष्टि कैसा था अर्थ की ओर, तो फिर वही वर्णन कर रहे हैं। द अर्थ लुक सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग, We could watch it for hours from the window of the spaceship. Earth जो है वो बहुत ही सुंदर और कमाल का दिखता है। We could watch it for hours. हम उसको घंटों तक निहारते थे। कहाँ से? From the window of the spaceship. आप अपने घर के बालकनी में बैठ के
चारों ओर देखते रहते हो ना, या फिर विंडो के थ्रू से देखते रहते हो, ऐसे स्पेस शिफ्ट में और स्पेस शिफ्ट के विंडो से होके वो बाहर देखते रहते घंटों भर। तो वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ। उनको वहां से क्या दिखता था कि अर्थ का जो अर्थ राउंड है तो फिर उसका जो कर्व शेप है वही वाला सांप दिखता था। तो फिर ये था सुनीता जी का, और भी आगे इसका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे अच्छी तरह। इसी के साथ वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हेलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।